नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। आज हम नए एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि विजरल फैट होता क्या है। ये विजरल फैट आंत में वसा का जमाव विजरल फैट के नाम से जाना जाता है। यह फैट समय के साथ शरीर के सेंटर पॉइंट पर जमा होने लगता है। खासकर यह हार्ट, लंग्स, आंत, लीवर और शरीर के अन्य ऑर्गन्स के आसपास जमा होने लगता है। यह बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। शरीर में जमा होने वाला विजरल फैट जानिए इसके बारे में सब कुछ। थोड़ा सा वीडियो को आप स्टॉप कर लीजिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा कि विजरल फैट का क्या होता है, इसमें लिखा भी है। चलिए हम आगे फिर पढ़ते हैं कि विजरल फैट क्या होता है। विजरल फैट अमूनन लोग सिर्फ अपने वजन को कम करने की जदोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन वे विजरल फैट के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। हालांकि ये सेहत पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। हाल के दिनों में अपने विजरल फैट के बारे में काफ़ी सुना होगा। यह एक किस्म का फैट होता है जो शरीर के अंदरूनी अंग के आसपास होता है। यह एक गहरा किस्म का फैट होता है जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो सकती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दुबले पतले हैं, इसके बावजूद उन्हें थायराइड, डायबिटीज जैसी कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं होती है। वही कुछ लोग मोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो हेल्दी होते हैं, यानी स्वस्थ होते हैं, और वे कई तरह के बीमारियों से पूरी तरह मुक्त होते हैं, यानी उनको कोई बीमारी नहीं होता। ऐसा विजरल फैट की वजह से ही होता है। तो चलिए आज इस लेख में विजरल फैट सेहत के लिए किस किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है। मनुष्य के शरीर में कई किस्म के फैट पाए जाते हैं। अमूमन लोग जिस फैट को कम करना चाहते हैं उसे हम सबकुंटिनियस फैट कहा जाता है, जबकि शरीर के अंगों के आसपास जमा फैट विजरल फैट कहलाता है। यह फैट सभी फैटों में सबसे हानिकारक फैट माना जाता है। जिन लोगों के शरीर में 2% से 8% यानी फीसदी तक विजरल फैट होता है, वे समान यानी अच्छा और स्वस्थ होते हैं। जबकि जिन लोगों के शरीर की मात्रा उन मात्रा से यानी 8% से ज़्यादा होती है, उन्हें डायबिटीज़, थायराइड जैसी समस्याएं घेरे रहती है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विजरल फैट की शरीर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, शरीर को एक सीमित मात्रा में विजरल फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विजरल फैट के बिना शरीर अच्छी तरह काम नहीं कर सकेगा, बल्कि विजरल फैट की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स की इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ सकती है। असल में विजरल फैट की लेयर इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बारे में हम आपको मशीन दिखाएंगे। विजरल फैट को नापने का एक मशीन है, ये विजरल क्राडा मशीन है, इसको देख लीजिए। ये इस पर चढ़ने के बाद में ये आपको विजरल फैट बता देती है। इसमें कोई ब्लड जांच नहीं, कुछ नहीं लगता। फिर इस पर खड़ा होने के बाद में बता देती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शरीर में विजरल फैट की मात्रा बढ़ रही है, इससे जानने के लिए कई तरह की मशीनें मौजूद हैं। इन मशीनों को बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन के नाम से जाना जाता है, या कराडा स्कैन मशीन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेंज होती है जो शरीर से गुजरते ही आपके वजन का सटीक रिकॉर्ड व्या कर देती है। इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को इसके ऊपर खड़ा होना होता है। मशीन आपके वजन को माप कर मेंशन कर देगा कि आपके शरीर में विजरल फैट की मात्रा कितनी है। इसके साथ आपके शरीर में सबकुंटिनियस फैट कितना
कितना और शरीर का ओवरऑल फैट कितना है ये मशीन बताएगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है। इस मशीन पर जैसे ही खड़ा होइएगा, वेट लॉस करने का मन तो पहले फैट से जुड़ी कुछ जानकारी ज़रूरी बातें, विजरल फैट के नुकसान, विजरल फैट के नुकसान, विजरल फैट साइड इफेक्ट। ध्यान रखिए कि जब भी ऑर्गन्स के आसपास वसा की लेयर बनी होगी वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। इससे आप इस तरह समझिए कि जब भी आपके ऑर्गन्स के आसपास फैट लेयर बनेगी, यह लेयर आपके ऑर्गन्स को आसानी से काम करने नहीं देगी, सभी अंगों का काम बाधित होता चला जाएगा, जिससे शरीर को नुकसान होना तय है। साधारण शब्दों में, जब आप कोई बड़ा ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटता, जबकि छोटा ताला आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक उसी तरह विजरल फैट आपके शरीर में काम करता है। जैसे जैसे विजरल फैट की मात्रा शरीर में बढ़ती जाती है, वह आपके शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए काम करना कष्टकारी बना देता है, जिससे शरीर को भारी नुकसान होता चला जाता है। इसके अलावा महिलाओं को जो भी विजरल फैट की वजह से परेशानियों का सामना पड़ सकता है, जैसे PCOD, हार्ट संबंधित बीमारियां, सिरोरासिस, फैटी लीवर। विजरल फैट आम तौर पर फैट के हिस्से में ही बढ़ता है, इसलिए अगर आपने ऐसे लोग देखे हो जिनका शरीर सामान्य है लेकिन फैट से मोटे हैं, ऐसे लोगों में असल में विजरल फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको ये बताते चलें कि विजरल फैट त्वचा के लिए जमा हुई फैट से भी ज़्यादा घातक होती है। इसके बारे में, विजरल फैट के बारे में आपको जानकारी लगा, अधिक जानकारी के लिए हेल्थ कंसल्टेंट से संपर्क करें। ये वीडियो बनाने में कई मेहनत लगता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजें, और वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से नमस्कार।